हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पहली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। आज शाम को 8:30 बजे से लाइव क्लास चलेगी। उससे पहले आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूं। देखिए, अगर आप बनाना चाहते हैं सैलरी शीट, ठीक है ना, सैलरी के लिए जो पेरोल बनता है उसको बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर पहले से ही मैंने कुछ सेटिंग करके रखा है, कुछ चीजों को बना के रखा हुआ है। अब वो क्या क्या चीजें हैं वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ पेरोल से रिलेटेड, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ यूनिट बनाए हैं, यूनिट देख लीजिए, ये आवर्स बनाया, फिर यहाँ पर देख सकते हैं मिनट बनाया, और इसका एक कंपाउंड यूनिट बना लिया इस तरीके से, देख रहे हैं, ये कंपाउंड यूनिट हो गया। फिर यहाँ पर मैं बाहर आता हूँ, फिर यहाँ पे अटेंडेंस मैंने बनाया, लीव, अगर छुट्टी लेंगे तो पैसा कटेगा दिनों के हिसाब से, ठीक है। फिर पेहेड बनाया, बेसिक सैलरी किस तरीके से बनाई है, इसको अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखा है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं पीएफ बनाया मैंने, तो पीएफ को मैंने करंट लाइबिलिटी में डाला हुआ है। और यहाँ पर टीए रखा है, तो टीए जो है ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। तो ये सारी डिटेल रख दी है, और भी चीजें चाहिए तो और भी ले सकते हैं। चलिए एंट्री पास करके देखते हैं कि एंट्री होगी कैसे। तो हमें पेरोल वाउचर में जाना है, तो F10 प्रेस करके आप आ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिलेगा अटेंडेंस। तो पहले अटेंडेंस में जाएंगे, और अटेंडेंस में करना क्या है, हमें यहाँ पे बनाना है इम्प्लॉइज। हमने इम्प्लॉइज ही नहीं क्रिएट किया है, इम्प्लॉइज बना लेते हैं। जैसे पहले इम्प्लॉई है सूरज तिवारी, मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर 2 अप्रैल से लेकर सैलरी की डिटेल को यहाँ डिफाइन भी कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी, जैसे मान लीजिए बेसिक सैलरी है 30,000, ठीक है, और यहाँ पे पीएफ कटेगा तो कितना कटेगा, तो उसी के हिसाब से पीएफ ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे टीए भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है ना, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और यहाँ से इसको ओके करके यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर वगैरह डालिएगा, यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है, अकाउंटेंट है क्या है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ टीचर इस तरीके से, और यहाँ फंक्शन टीचिंग का, तो ये डाल दिया मैंने। और यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं, लोकेशन देवरिया डाल देता हूँ, सारी डिटेल आप फिल कर लीजिएगा, जो भी जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी, ठीक है ना। तो एंटर करते हुए नीचे आगे बढ़ जाइएगा, और यहाँ पे बैंक की डिटेल अगर आप प्रोवाइड कराना चाहते हो तो वो दे दीजिएगा यहाँ पे यस करके। यहाँ पर इस तरीके से बैंक की डिटेल पूरी आ जाएगी, फिलहाल इसको नो रखता हूँ, और यहाँ पे पैन नंबर वगैरह डालते हुए एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो यहाँ पर अब लीव आ रहा है, तो एक दिन छुट्टी लिए हैं तो एक दिन छुट्टी ले लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया इस तरीके से। अगर कोई और इम्प्लॉई बनाना चाहते हैं तो इसी में बना सकते हैं, जैसे अमित नाम से एक और इम्प्लॉई बना लेते हैं, और यहाँ पर आकर के इनकी भी सैलरी को यहाँ से डिफाइन करना होगा। तो यहाँ बेसिक सैलरी, इनकी बेसिक सैलरी है 32,000, तो यहाँ पे 32,000 डाल देते हैं। पीएफ वगैरह तो ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा, तो ये पीएफ हो गया, टीए हो गया, आप चाहे तो टीए भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पे सारी डिटेल डालते हुए आगे बढ़ेंगे, फंक्शन वगैरह डाल दीजिएगा, लोकेशन देवरिया कर देता हूँ, जेंडर मेल कर देता हूँ, इस तरीके से करके, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मेल हो गया, आप एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा, समझ रहे बात को, इस तरीके से एंटर करके लास्ट तक एक्सेप्ट कराइएगा। और यहाँ पर कोई लीव लिया है या नहीं, तो जैसे मान लीजिए इन्होंने 5 दिन की लीव ले ली, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी नरेशन आप डाल सकते हैं, ये हो गया काम हमारा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, सबसे पहले चलेंगे हम, और यहाँ से आप आएंगे पेरोल पर, तो कंट्रोल F4 भी आप प्रेस कर सकते हैं पेरोल में जाने के लिए, ये आ गए पेरोल में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर पैसा होगा तो हम बैंक खाते से ही भुगतान करेंगे इनका, तो ये आ गए। अब यहाँ से आपको कुछ भी खुद से फिल नहीं करना, ठीक है ना। एक वीडियो में मैंने बताया फिल कर सकते हैं खुद से, लेकिन यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं, टैली प्राइम में इतनी आसानी है आपको कि सारे काम ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। खाली आपको कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करना है, पेरोल ऑटोफिल का ऑप्शन आ जाएगा। हम सैलरी ही देने वाले हैं 1/4 से, यहाँ पर दे देता हूँ 1/5, क्योंकि यहाँ पर डेट सपोर्ट नहीं करेगा, ये एजुकेशनल है, ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 1 तारीख कर दिया मैंने। और यहाँ पे किसकी सैलरी हम देंगे, तो चलिए अमित की सैलरी रखते हैं, दोनों लोगों की रख देते हैं, तो ऑल आइटम्स कर देते हैं। तो ये ऑल आइटम्स करके आगे बढ़ेंगे, और यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सैलरी जाएगी, यहाँ पर मोड वगैरह देने की जरूरत नहीं, इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जिस हिसाब से हमने क्राइटेरिया सेट की थी उसके हिसाब से यहाँ बेसिक सैलरी कितनी बन रही है, एबसेंट रहे तो उसके हिसाब से कितना कट जा रहा है, सारा कट करके 23,211.35 रुपए यहाँ पे सैलरी आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं सूरज की सैलरी कितनी आ रही है, कम दिन एबसेंट थे, ये 1 दिन एबसेंट थे, तो इनकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है, बाकी का पैसा इस तरीके से आया। इसको कंट्रोल करके एक्सेप्ट करा सकते हैं। जब आपको सैलरी शीट देखनी होगी तो कहाँ जाके देखेंगे, तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा कहाँ, ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट है, और फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको मिल जाता है पेरोल रिपोर्ट। तो पेरोल रिपोर्ट पे चले जाइएगा, पे स्लिप यहाँ से आपको जनरेट हो जाएगी। ऑल आइटम्स पे जाएंगे, हमें किसकी सैलरी स्लिप देखनी है, अमित की, तो ये अमित की सैलरी स्लिप है। यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट पी करके और यहाँ पे एंटर करेंगे, आई बटन प्रेस करके आपको सैलरी शीट दिखा देता हूँ, इनकी जो सैलरी स्लिप मिलेगी
वो दिखा देता हूं। इस तरह की सैलरी स्लिप इनको जनरेट होगी। ग्रॉस सैलरी 27,840 बननी थी, लेकिन अपसेंट अपसेंट हुए हैं, जिसकी वजह से 23,211.35 ही रह गई है सैलरी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से सूरज की जो सैलरी है उसको भी आप देख सकते हैं यहां पे जाकर के, और एंटर करेंगे और यहां अल्ट पी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये सैलरी स्लिप आपको दिखेगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। शाम को जरूर जुड़िएगा, ये सारी डिटेल और भी क्लियरली मैं बताऊंगा, ठीक है ना।